क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आरएस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8 भी कराने जा रहा हूं, जो कि रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम्स हैं। यूनिट 12 ही चल रहा है अभी तक, तो चलिए देखिए पहले इसको समझते हैं क्या है। यूजिंग द फैक्टर थ्योरम टू फैक्टराइज द गिवन पॉलीनोमियल, मतलब क्या कह रहा है, फैक्टराइजिंग अ पॉलीनोमियल कंप्लीटली आफ्टर ऑब्टेनिंग वन फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम। एक फैक्टर हमें फैक्टर थ्योरम से ही मिल जाएगा। व्हेन एक्सप्रेशन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए द रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ए। इफ द रिमाइंडर एफ ए इक्वल टू जीरो, दैट मींस क्या हुआ कि एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन एफ एक्स। कन्वर्सली क्या बोलेंगे, इफ फॉर द एक्सप्रेशन एफ एक्स दैट मींस एफ एक्स ए इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर, मतलब ये x माइनस ए इसका फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा क्या है ये। ये है हमारे पास 12 नंबर। यूजिंग अ फैक्टर थ्योरम शो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, हेंस फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। चलिए देखिए कैसे करते हैं। तो ये x माइनस 2 है इक्वल टू 0 ले लेंगे तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ पर एफ एक्स एम एफ एक्स कितना है बच्चों, ये है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। इसमें रिमाइंडर हमारा जीरो क्योंकि फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या लेंगे हम, रिमाइंडर इक्वल टू 0 लेंगे। दैट मीन्स कि एफ 2 जो है वो 0 हो जाएगा। इसमें 2 रख दीजिए, सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 इंटू 2 हो जाएगा और माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 5 टू जा 10 और माइनस का 2 इक्वल टू 0, 4 3 जा 12 हो गया ये और माइनस का ये 12 हो गया इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ ये कि ये इसका फैक्टर है, ये आपका फैक्टर पहले से गिवन है। मैं केवल चेक करके दिखा रहा था कि हाँ ये फैक्टर है या नहीं है। तो चलते हैं बच्चों ये डिवाइड कर लेते हैं इसमें x माइनस 2 से। तो x माइनस 2 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, ये ऊपर दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 2, सो 3 टाइम्स जाएगा और x टाइम जाएगा तो 3x की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना आएगा 3x स्क्वायर आएगा। 3x की माइनस 2 में करेंगे तो माइनस का 6x आ जाएगा। चलिए पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो इसके ये कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस का 6x है और माइनस का 5x है तो ओनली x बच गया और माइनस का 2 है। इस x का x में जब करेंगे तो ये ओनली प्लस 1 टाइम्स आएगा, सो 2 1 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो x आ गया और माइनस का 2 आ जाएगा, 1 से उतना ही आएगा सेम। अब साइन इसके चेंज कर देंगे और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया। दैट मीन्स फैक्टर इसके क्या हो गए बच्चों, देखो दिख गया, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। इसके फैक्टर कितने हो गए, एक तो x माइनस 2 गिवन था पहले से ही और दूसरा कितना आया 3x प्लस 1, जो ऊपर क्वेश्चन बचा हुआ ये वाला, ये इसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बच्चों पहले सो दैट ही बोला हुआ x माइनस 2 इज अ फैक्टर, तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर इसको दिखाने के लिए ये हमें सो करना था, तो मैंने सो करके दिखा दिया। वैसे 0 ही लेके चला था मैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने का, दोनों 0 के इक्वल हो गया, दैट मींस कि ये इसका फैक्टर सो हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है 39, सो दैट 2x प्लस 7 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14, हेंस फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन कंप्लीटली यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। तो चलिए आपको देख लें ये क्या है, 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 दिया है, सो 2x इक्वल टू माइनस 7 हो जाएगा, सो x इक्वल टू माइनस 7 बाई 2 आ जाएगा। बच्चों ये फैक्टर थ्योरम बहुत काम की है, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है हमें। चलिए देखते हैं एफ एक्स गिवन है, कितना है हमारे पास एफ एक्स, दैट इज द 2x क्यूब है प्लस का 5x स्क्वायर है माइनस 11 ऑफ एक्स है और माइनस का 14 है। अब हमें वैल्यू निकालनी है f माइनस 7 बाई 2, क्या हो जाएगा 2 इंटू माइनस 7 बाई 2 का होल क्यूब हो जाएगा और प्लस का 5 है इंटू
माइनस 7 बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 11 है इंटू माइनस 7 बाई 2 और माइनस का है 14। चलिए देखते हैं चेक करके कितना आएगा, ये कितना आ गया 2 इंटू 7 का क्यूब लेना पड़ेगा। लेकिन नीचे जो है बच्चों, एक तो ये माइनस साइन आएगा तो माइनस मैंने बाहर ले लिया है, ये माइनस बाहर ले लिया आउटसाइड। और यहाँ कितना जाएगा, 2 2 4 2 8 हो गया, और 7 का क्यूब देखना पड़ेगा, ये होगा 3 4 3 विद माइनस साइन, माइनस मैंने बाहर लगा दिया है। और फिर प्लस का है ये 5 इंटू 7 7 जब 49 हो जाएगा और 2 2 जब 4 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 11 7 जब 77 हो गया और अपॉन 2 रहेगा और माइनस का ये 14 और है, सो 2 1 जब 2 2 4 जा जाएगा, ये माइनस का आ गया 3 4 3 अपॉन 4। और प्लस का कितना बचा, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, किया जाएगा 245 और अपॉन 4 हो जाएगा। और प्लस का ये कितना है, 77 अपॉन 2 है ये, माइनस का 14 है। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, माइनस का 3 4 3 है और प्लस का 2 4 5 हो जाएगा। और प्लस का इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 7 14 2 7 14 और 1 15 आ जाएगा। और माइनस का 14 4 56। पहले प्लस वाले को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 399, और इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस वाले को तो भी 399 ही आ रहा है बच्चों, और अपॉन 4 कुल मिलाकर के 0 अपॉन 4, दैट मीन्स की 0। इसका मतलब क्या हुआ, सो 2x+7 इज अ फैक्टर ऑफ कितना, fx, जो fx हमने लिखा था ऊपर, तो ये तो सो हो चुका है इसका। अब फैक्टर करना रह गया बच्चों, इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करके देखते हैं जरा कितना कितना आ रहा है। तो 2x+7 से डिवाइड करना है, यानी 2x+7 से किसको डिवाइड करना है, ये आपको डिवाइड करना है 2x³ और प्लस का 5x² है, माइनस का 11 ऑफ एक्स है और माइनस का 14 है। चलिए डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है, तो देखो 2 तो है पहले से ही, x² टाइम्स जाएगा तो x² की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x³ हो जाएगा यहाँ, और प्लस का 7x² हो जाएगा, तो यहाँ 7x² लिख देंगे और चेंज देयर साइन, तो साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से 5x² है, माइनस का 7x² है, तो माइनस का 2x² बच जाएगा, ऊपर से माइनस का 11x लेंगे, कितना बच जाएगा, आप देखो 2 तो है ही है, इसमें माइनस के एक्स टाइम्स कर लेगा, एक्स टाइम्स किया जाएगा, एक्स की माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2x² हो गया, और माइनस एक्स की 7 से करेंगे तो माइनस का 7x आ जाएगा। चेंज देयर साइन, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस का 7 है, माइनस का 11 है, तो माइनस का 4x बच जाएगा, ऊपर से माइनस का 14 लेंगे। और देखो यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस टाइम तो जाएगा ही जाएगा, और 2 है तो यहाँ पर 4 लाना है, तो 2 2 4 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो माइनस का 4x हो गया और 2 से 7 के करेंगे तो माइनस का यहाँ 14 आ जाएगा। अब इसका चेंज देयर साइन, तो ये साइन चेंज हो रहे हैं और ये पूरा का पूरा कैंसल हो गया, और मतलब ये डिवाइड होकर 0 आ गया, जो कि यहाँ पे 0 शो हो रहा था, यानी इसके फैक्टर ले रहे थे हम। फैक्टर करने की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जरा क्या है फैक्टर करना, ये है 2x³ है, प्लस का 5x² है, माइनस का 11 ऑफ एक्स है, माइनस का 14। इसका एक फैक्टर तो मिल चुका है, वो है 2x+7, फैक्टर थ्योरम से मिल गया है। ऊपर जो कोसेंट बचा था उसको ले लेते हैं, तो x² है, माइनस का एक्स है, माइनस का 2 हो गया। अभी इसके भी फैक्टर हो सकते हैं, तो देखो बच्चों 2x+7 तो एक फैक्टर है ही है,
यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला लगाएंगे बच्चों, माइनस का टू है, सो टू वन जा टू, तो टू माइनस वन कर देंगे, आ जाएगा ये कितना आ गया यहाँ पे, टू एक्स प्लस सेवन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, माइनस का टू एक्स हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, और माइनस का टू हो गया, सो टू एक्स प्लस सेवन यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस टू बच जाएगा, प्लस का वन कॉमन आएगा तो भी x माइनस टू बच जाएगा, तो यहाँ पर आ गया टू एक्स प्लस सेवन, यहाँ से x माइनस टू दोनों में से कॉमन आ रहा, तो x माइनस टू कॉमन ले लीजिए, दूसरे में क्या बच जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा, प्लस का वन बच जाएगा, और ये भी आपका आंसर हो गया, क्योंकि कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया, देखो वन फैक्टर, टू फैक्टर, थ्री फैक्टर, तीन फैक्टर हो चुके हैं, और इसकी हाईएस्ट पावर जो है वो थ्री है, इसका मतलब थ्री ऑर्डर का ही है, और इस तरह से आप लोग फैक्टर कर लेंगे। अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं, ये एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा 14 नंबर पे, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज द एक्सप्रेशन टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन कंप्लीटली। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, एफ एक्स गिवन है, कितना गिवन है, टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसमें एक्स कल टू वन, सो एफ वन आ जाएगा, कितना आएगा एफ वन, तो टू इंटू वन का क्यूब हो जाएगा, प्लस वन का स्क्वायर हो गया, माइनस का टू इंटू वन और माइनस वन, यहाँ कितना हो जाएगा, टू इंटू वन हो जाएगा, और प्लस का वन हो जाएगा, माइनस का टू और माइनस का वन, यहाँ हो गया टू प्लस वन, और ये माइनस टू और माइनस वन, ये माइनस का थ्री हो गया, तो ये थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल टू वन हो गया इसमें, सो एक्स इक्वल टू वन आ गया, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स क्या हुआ, एक्स माइनस वन is a factor of fx, fx का ये factor हो गया है। अब हमें क्या करना है, x minus 1 से इसको divide करना पड़ेगा, तो चलिए x minus 1 से इसको divide कर लेते हैं, इसको 2x cube plus का x square minus का 2x minus 1, इसको divide करना है x minus 1 से, एक तो 2 टाइम जाएगा और x square टाइम जाएगा, टू एक्स क्यूब हो जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू एक्स स्क्वायर की माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस करना है, सबके साइन चेंज कर देंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना बच जाएगा, टू और ये तो ऐड हो जाएगा बच्चों, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर से माइनस का टू एक्स और ले लेंगे। अब यहाँ देखो x से डिवाइड करना, थ्री टाइम्स आएगा और एक x टाइम, तो प्लस का थ्री एक्स आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करिए, थ्री एक्स स्क्वायर हो गया इसके से, और माइनस का इससे करेंगे थ्री एक्स की माइनस वन से, तो माइनस का थ्री एक्स आ जाएगा, चेंज देयर साइन, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से प्लस का थ्री एक्स है, माइनस का टू एक्स है, तो ये प्लस का एक्स बच जाएगा, और ऊपर से माइनस का वन और ले लिया, अब एक्स का एक्स ही दिख रहा है, यानी कि वन टाइम जाएगा, प्लस का वन यहाँ लिख लेते हैं, और ये सेम लिख देंगे, चेंज देयर साइन, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ जीरो आ गया रिमाइंडर। अब फैक्टर करना चालू करते हैं हम, तो फैक्टर के लिए देखिए क्या क्या आ गया, ये है टू एक्स क्यूब चल रहा था आपका, टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, इसका फैक्टर कितना आया था हमारा, एक्स माइनस वन आ गया, तो एक्स माइनस वन यहाँ लिख दिया, और दूसरे में क्या बच गया, टू एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस का थ्री एक्स बच गया, और प्लस का वन इतना बच गया। अब इसके फैक्टर फिर से करने पड़ेंगे, तो एक्स माइनस वन तो एस जी रहने दीजिए, इसका करना है हमें स्प्लिट द मिडिल टर्म से, तो कैसे हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ एक्स आ जाएगा, प्लस का वन, ये क्लोज कर दिया गया, तो टू वन या टू हो गया, तो टू और वन आ जाएंगे, तो टू प्लस वन लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ एक्स माइनस वन है यहाँ पे, और यहाँ कितना है आपका, टू एक्स स्क्वायर है, सेम लिख दीजिए, प्लस का यहाँ से कितना आ जाएगा, टू एक्स आ जाएगा, फिर प्लस का एक्स हो जाएगा, प्लस का वन आ गया। अब क्या बचा यहाँ से, एक्स माइनस वन प्लस एफ एक्स का,
यहां से 2x कॉमन आएगा, इसमें से x बच जाएगा और प्लस का 1 बच जाएगा, और यहां पर प्लस का 1 कॉमन लीजिए तब भी x प्लस 1 ही बचेगा। अब क्या हो गया, x माइनस 1 आ गया, यहां से क्या बचा, x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 है कॉमन बच्चों, x प्लस 1, और यहां से क्या बचा, 2x बच गया और यहां से प्लस का 1 बच गया, और यही फैक्टर आपका आ गया है, यही आपका fx इवन था बच्चों ऊपर। तो इसका फैक्टर हो गया है बच्चों, इसके फैक्टर आसानी से निकल जाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना सीख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट द पॉलीनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 45 हैज एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 5 एज इट्स फैक्टर। फॉर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एज ऑब्टेंड अबव फैक्टराइज द गिवन पॉलीनोमियल कंप्लीटली। चलिए बच्चों देखते हैं, चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एफ एक्स जो गिवन है लिख लेते हैं, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स इज गिवन एज एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 45। पहले एक्स माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर हमें 0 दिया हुआ है, तो यानी एफ 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, रख दीजिए इसमें, तो 1 का क्यूब हो जाएगा और प्लस का ए इंटू 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस का बी इंटू 1 आ जाएगा, माइनस का 45 इक्वल टू 0, तो 1 हो गया, प्लस का यहाँ ए इंटू 1 करेंगे तो ए ही आएगा, यहाँ से बी आ जाएगा और माइनस का 45 आ गया इक्वल टू 0। देखिए कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, यहाँ से माइनस का 44 बच जाएगा जो कि इधर जा करके 44 हो जाएगा, और ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। दूसरा क्या कहा है, x प्लस 5 इज अ फैक्टर, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 ले लीजिए तो x इक्वल टू माइनस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, रिमाइंडर इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि f माइनस 5 इज आल्सो 0, रख दीजिए x की जगह पे, तो माइनस 5 का क्यूब हो जाएगा और प्लस का a इंटू माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी इंटू माइनस 5 हो जाएगा और माइनस का 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें क्या है, वैसे अगर रियल से बात करें तो 5 के स्क्वायर से ही पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, कैसे डिवाइड होगा देखना पड़ेगा। चलिए पहले लिख लेते हैं कितना हो गया, ये आ जाएगा माइनस का 125 और ये प्लस का 25 ऑफ ए हो जाएगा और माइनस का कितना हो जाएगा 5 बी हो जाएगा और माइनस का 45 इक्वल टू 0। ये 5 से डिवाइड हो रहा है बच्चों, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो माइनस का 25 हो जाएगा, प्लस का 5 ऑफ ए हो जाएगा और माइनस का बी हो जाएगा और माइनस का यहाँ 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ आ गया 5 ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का 9 है और माइनस का 25 है तो कितना आ जाएगा, ये 34 हो जाएगा क्या, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब फर्स्ट को और सेकंड को दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ऐड ही कर लेते हैं बच्चों दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट को और प्लस का सेकंड कर देते हैं इसी में। ये थोड़ा सा मैं लाइन ऑफ कंट्रोल खेलते रहा हूं यहाँ, चलिए देखिए क्या होगा, कितना आ जाएगा, ये इसमें है a प्लस बी इक्वल टू कितना आया था 44 आया था बच्चों, और यहाँ है 5a माइनस का b इक्वल टू 34। जैसे ऐड करेंगे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 5 और ये 16a हो जाएगा और इक्वल टू ऐड करिए 4 और 4 8 हो गया, 4 और 3 7 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 78 अपॉन 6 हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 1 जा 6 1 बच गया और 6 3 जा, सो a विल बी 30। अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए किसी में, अब इसको किसी इक्वेशन में डाल दीजिए, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट,
फर्स्ट में डाल दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 13 प्लस का बी है इक्वल टू 44, सो बी इक्वल टू 44 माइनस का 13, कितना आ जाएगा 13 यानी 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 31 आ गया। इसका मतलब ए की वैल्यू जो है वो 13 आ गई और बी की वैल्यू आ गई 31, ये दोनों आंसर हो गए। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम और रह गई है, क्या कह रहा है कि जो ये है फैक्टर थ्योरम से इनके फैक्टर भी कंप्लीटली करना है, तो फैक्टर भी कंप्लीट करने के लिए थोड़ा इस तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, जरा क्या करना है। तो हमारा एफ एक्स निकल गया, कितना एफ एक्स निकला है बच्चों देखो, ये आ गया हमारे पास, यानी ए और बी की वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, तो ये एक्स क्यूब है और प्लस का ए एक्स स्क्वायर है, ए हमारा 13 है, सो यू कैन राइट हियर 13 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है, बी कितना आया 31 आया है, सो 31 ऑफ एक्स हो गया और माइनस का 45 हो गया, ये अब आ चुका है। अब इसमें क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं बच्चों, तो पहले हमें एक्स माइनस वन से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो चलते हैं देखते हैं, फैक्टर थ्योरम में बता रखा है क्योंकि ये फैक्टर है इसके, रिमाइंडर जीरो दे रखा तभी तो वैल्यू निकल के आई थी ए और बी। अब इस फैक्टर को बच्चों एक्स माइनस वन से, यानी एक्स माइनस वन इसका फैक्टर था ही, तो एक्स माइनस वन से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो एक्स माइनस वन से डिवाइड करना है किसको, ये है एक्स क्यूब प्लस का 13 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 31 ऑफ एक्स माइनस 45, चलिए डिवाइड करिए बच्चों, तो पहले तो एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, चेंज दियर साइन माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 13 है प्लस का और ये 1 हो जाएगा तो 14 आ जाएगा, 14 एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस का कितना आया यहाँ पे 31 ऑफ एक्स आ गया। चलिए अब देखिए कितने टाइम जाएगा, 14 टाइम जाएगा यहाँ पे प्लस का, 14 और एक्स भी आएगा साथ में, तो 14 एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसी मल्टीप्लाई करते ही, और माइनस का 14 एक्स आ जाएगा, माइनस का 14 एक्स आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे बच्चों इसको तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 1 और 45 हो जाएगा, एक्स तो रहेगा रहेगा, और 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, 45 आ जाएगा और माइनस का 45 यहाँ पहले से ऊपर है ले लिया हमने। अब ये कितने टाइम जाएगा, 45 टाइम चला जाएगा, तो प्लस का 45 और ले लीजिए, तो यहाँ पर 45 ऑफ x हो गया, माइनस 45 आ जाएगा, चेंज दियर साइन, ये साइन इसके चेंज कर देंगे, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और ये जीरो आ गया। इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस 45 आपका आ चुका है। अब इसके फैक्टर करने और रह गए, लेफ्ट वाला पोर्शन मैंने हटा दिया है, अब इसमें फिर से देखते हैं एफ एक्स जो आया कितना आया बच्चों, एफ एक्स जो आ गया रियल में ये दिया हुआ जो था क्या था, एक्स क्यूब था प्लस का 13 ऑफ एक्स स्क्वायर था प्लस 31 ऑफ एक्स था माइनस 45। अब इसका जो फैक्टर किया था एक्स माइनस वन एक फैक्टर आ चुका है, दूसरे में क्या बच गया वो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बच गया है प्लस का 14 ऑफ एक्स और प्लस का 45, तो इसके स्प्रेड द मिडिल टर्म से करेंगे बच्चों, वैसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं दोबारा क्योंकि फैक्टर दिया हुआ है एक्स प्लस 5, तो चलते हैं इसको भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का ये आपका एक्स आएगा और प्लस का यहाँ 45, ये प्लस यहाँ पे साइन आ जाएगा आपका, अब कितना आ जाएगा 94 जाएगा 95 जाएगा, तो 9 और 5 करेंगे यहाँ तो 14 आ जाएगा आराम से, तो चलिए ये एक्स माइनस वन है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस का 9 ऑफ एक्स है प्लस का 5 ऑफ एक्स है और प्लस का 45, यहाँ कितना आ जाएगा एक्स माइनस वन आ गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 9 हो जाएगा और प्लस का 5 कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो भी एक्स प्लस 9 बन जाएगा। अब आ गया एक्स माइनस वन और यहाँ कितना आ गया
ये आ गया x प्लस 9 तो कॉमन आ जाएगा, दूसरे में से x बच जाएगा, प्लस का 5 यहाँ से बच जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही फैक्टराइज थ्योरम से आप लोग कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया था इसको डिवाइड करके भी कर सकते थे, कैसे ये देखिए, इसमें क्या था हमारे पास जो बचा हुआ था, ये बचा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस का 14 ऑफ एक्स और प्लस का 45, इसको डिवाइड कर देना चाहिए था किससे, एक्स प्लस 5 से। तो यहाँ पर एक्स आता आपका, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 5x बच जाएगा, चेंज देयर साइन, साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 9 ऑफ एक्स और प्लस 45। अब कितने टाइम जाएगा, प्लस का 9 टाइम्स जाएगा और ये 9x हो गया और प्लस का 45 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, कैंसिल आकर के 0 आ गया, यानी फैक्टर आपके तुरंत आ जाते हैं। यानी एफ एक्स जो दिया हुआ था कितना था, एक्स क्यूब था प्लस का 13 ऑफ एक्स स्क्वायर था प्लस का 31 ऑफ एक्स था माइनस का 45। एक तो आपका एक्स माइनस 1 पहले ही फैक्टर आ चुका था, दूसरा आपका x प्लस 5 भी आ चुका था और बाकी कोशेंट जो बचा हुआ यहाँ से वो x प्लस 9 लिख लेना था। अब आपकी चॉइस है कि कैसे आपको फैक्टर करना है, डिवाइड करके या ऐसे स्प्रेड द मिडिल टर्म, जो भी मेथड आपको मिलता है सही से कर लीजिएगा। सो ये आंसर है, आप लोगों को दोनों तरीके आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है यहाँ पे, इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो सबसे पहले क्या करना है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लेना है, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। एफ एक्स गिवन है कितना है बच्चों, 2x क्यूब है माइनस का x स्क्वायर है माइनस 3x है माइनस 2 है, इसमें रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा क्योंकि ये x माइनस 2 से कंप्लीटली डिवाइजेबल है। सो रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कि एफ 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 रख दीजिए इसमें। सो 2 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया और माइनस का p इंटू 2 हो गया और माइनस 2 इक्वल टू 0, इसमें वैल्यू रख दिया मैंने। सो 2 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8 हो गया, माइनस 2 टू जा 4 हो जाएगा, माइनस का 2p हो गया, माइनस का 2 इक्वल टू 0, ये 8 टू जा 16 हो गया, माइनस का ये 4 है और माइनस का 2 है तो माइनस का 6 हो गया, माइनस 2p इक्वल टू 0। तो देखिए कितना आ गया, 6 और 6 ये 16 है और 6 22 हो जाएगा, नहीं बच्चों 10 आएगा, ये 10 और ये 2p साइड ले लेंगे तो ये 2p प्लस का हो जाएगा। सो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा 10, सो p इज इक्वल टू 5, ये एक आंसर आ चुका है। अब हमारा एफ एक्स क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर p की वैल्यू रख देनी है, तो 2x क्यूब हो गया माइनस का x स्क्वायर हो गया और माइनस की p की जगह 5 आ जाएगा, 5 ऑफ x हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, लेकिन x माइनस 2 इज अ फैक्टर है तो x माइनस 2 से अब डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, एफ एक्स को, तो 2x क्यूब है माइनस का एक्स स्क्वायर है माइनस का 5x है माइनस का 2 है, चलिए डिवाइड कर लिए, कितने टाइम जाएगा ये, तो 2 जाएगा और एक एक्स स्क्वायर जाएगा, करो मल्टीप्लाई इसकी तो 2x क्यूब हो गया और इससे करेंगे माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा, 4 माइनस 1 करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 5 ऑफ x हो जाएगा, 3x स्क्वायर अब 3 टाइम जाएगा प्लस का 3 और एक x भी आ जाएगा, तो x इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x से तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3x से ऐसे करेंगे तो माइनस का 6x आएगा, तो माइनस का 6x यहाँ आ गया, इसके बाद चेंज योर साइन, इसके साइन चेंज कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बच जाएगा ओनली एक्स, माइनस का 2 ऊपर से आ रहा है तो क्या करना है, 1 टाइम जाएगा ओनली, तो 1 ले लिया यहाँ पे तो एक्स माइनस 2 हो गया, यहाँ पे चेंज योर साइन तो ये तुरंत कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा।
इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो एफ एक्स था कितना था बच्चों, ये था 2x³ था, माइनस का x² था, माइनस 5x था, माइनस 2। इसके फैक्टर हुए कितने, एक्स माइनस 2 तो एक जगह आ गया, दूसरी जगह क्या बचा हमारे पास, ये आ गया ऊपर जो लिखा हुआ है 2x² है, प्लस का 3x है और प्लस का 1 है। इसके फैक्टर और करने हैं बच्चों, तो x माइनस 2, अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म, सो 2x² और ये है मिडिल टर्म के लिए, यहाँ x हो गया और प्लस का 1 ले लिया हमने, सो 2 1 2 यही आएगा, ये प्लस यहाँ आ जाता है तो 2 और प्लस 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x माइनस 2 हो गया यहाँ पर और यहाँ क्या बचा, 2x² प्लस का 2x हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करके और प्लस का x होगा और प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ से x माइनस 2 हो गया और यहाँ से क्या बचा बच्चों, 2x कॉमन आ गया तो x प्लस 1 बच गया और प्लस का 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 बच जाएगा। कितना आ गया, x माइनस 2 आ गया, यहाँ से x प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए x प्लस 1 कॉमन, यहाँ से क्या बचा 2x बच गया और प्लस का 1 बच गया और यही आपका फैक्टराइज हो चुका है और आंसर बन जाएगा ये। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। समय ज्यादा हो गया बच्चों, आज मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ। नीचे ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी प्रकार मेरे चैनल को देखते रहिए।